लाइटिंग का खतरा किया दौड़ते हैं। स्टील ब्रिज तकरीबन 2017 में शुरू किया था इन्होंने और 2020 में इसे कंप्लीट किया गया है और ये जापान और पाकिस्तान की शराकत से ये शुरू किया था ये मंसूबा स्टील ब्रिज का। हम खुशकिस्मत हैं कि डेरा गाजी खान के डिवीज़न में फोर्ट पंडू के इलाके में ये स्टील ब्रिज बनाया गया। दोस्तों चलता है यार ये तो। हाँ ये यहाँ हमेशा पानी रहता है। दोस्तों स्टील ब्रिज के बिल्कुल साथ ही एक ढाबा नुमा होटल पर हमने अपनी गाड़ियां पार्किंग पर लगा दी हैं और अब हम खाना बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों तो ये है वो ढाबा नुमा होटल जहाँ पर मेरे दोस्त रेस्ट कर रहे हैं और इनमें से चंद दोस्त खाना बना रहे हैं। दोस्तों और यहाँ पर सामने ही आपको ये बहुत बड़ा काफ़ी ऊंचा कद्दावर पहाड़ दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर आपको स्टील ब्रिज भी दिखाई दे रहा होगा जो काफ़ी खूबसूरत है और बहुत शानदार किस्म का नज़ारा पेश कर रहा है। दोस्तों तो ये है फोर्ट पंडू का इलाका और यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान का पहला स्टील ब्रिज। दोस्तों तो ये होटल नुमा ढाबा कुछ पोर्शन वाइज है, ये इसका किचन दिखाई दे रहा होगा और इसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको स्टील ब्रिज दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। तो इसे क्लोज़ करता हूँ तो ये दो किस्म के ऐसे रिंग दिखाई दे रहे हैं दूर से आपको जो कि स्टील ब्रिज है। दोस्तों दोस्तों अब हमने खाना खा लिया, यहाँ पर सारा खाना पीना खा लिया है, एंजॉय कर लिया है और मज़ा आ गया। ये टूर काफ़ी कमाल का था, काफ़ी कमाल का ये टूर रहा है हमारा दोस्तों के साथ। भावलपुर से जो दोस्त आए हुए थे उनके साथ बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हमने और खाना भी खा लिया हमने और मौसम भी अभी बहुत अच्छा है और शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं तो हम अब सफ़र अपना स्टार्ट करेंगे। तो आगे हमने निकलना है डेरा गाजी खान, वहाँ मुझे ड्रॉप कर देंगे ये, फिर ये रवाना हो जाएंगे अपने सफ़र पे बहावलपुर। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये जहाँ पे हमने स्टे किया है, यहाँ पर हमने खाना खाया इस जगह पर सामने बैठ के। तो ये खड़े हैं सारे दोस्त मेरे और अब तैयारी कर रहे हैं, ये पैकिंग हो चुकी है सारी हमारी और अभी गाड़ियां स्टार्ट करेंगे और रवाना हो जाएंगे। टेम्परेचर बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक फिलहाल। तो काफ़ी यहां पे हमने फोटो सेशन भी किया है, यहां स्टील ब्रिज दिखाई दे रहा होगा आपको जैसे कि, तो यहां पे इसके बैकग्राउंड इसको रख के हमने काफ़ी फोटो सेशन भी किया और काफ़ी इंजॉय किया, वीडियो क्लिप्स भी बनाए यहां पे ढेर सारी। तकरीबन 2 घंटे का टाइम हमने यहां पे स्पेंड किया इस जगह पे गिरदू मोड़ के नीचे, मोड़ से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ढाबे हैं अच्छे खासे। तो काफ़ी मज़ा है, एंजॉय किया और अब हम रवाना होने वाले हैं। दोस्त गए हैं नमाज़ पढ़ने तो आते हैं, तो हम निकलते हैं अब और आपको मज़ीद जो होगा आगे बताते चलेंगे सफ़र के दौरान। देता चलूँ आपको इसकी मालूमात कि स्टील ब्रिज के बारे से, स्टील ब्रिज तकरीबन 2017 में शुरू किया था इन्होंने और 2020 में इसे कंप्लीट किया गया है और ये जापान और पाकिस्तान की शराकत से ये शुरू किया था ये मंसूबा स्टील ब्रिज का और ये बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने के लिए
काफ़ी इन्होंने मदद दी है और इसको इसलिए स्टार्ट किया था कि बलूचिस्तान और पंजाब का कम से कम फासला किया जाए। और ये स्टील ब्रिज का तकरीबन मेरे ख्याल से 16 किलोमीटर है ये स्टील ब्रिज, और इसमें पीसेस भी स्टील के इस्तेमाल किए गए हैं वो 12 या 10 पीसेस इस्तेमाल किए गए हैं इसमें, और उसकी मदद से ये स्टील ब्रिज बनाया गया है। तो काफ़ी शानदार मंसूबा ये स्टील ब्रिज का, और काफ़ी ज़बरदस्त है ये, और मतलब ये हाई फाई इंटरनेशनल लेवल का ये बनाया गया है, और एशिया का दूसरा ये स्टील ब्रिज है और पाकिस्तान का पहला है। और हम खुशकिस्मत हैं कि डेरा गाजी खान के डिवीज़न में फोर्ट पंडू के इलाके में ये स्टील ब्रिज बनाया गया। दोस्तों मज़ेदार चिकन कढ़ाई खाने के बाद अब हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू कर दिया दोस्तों। तो स्टील ब्रिज से वापसी अब हम जा रहे हैं डेरा गाजी खान की जानिब। तो बीच में एक पुल आएगा सबसे पहले, जो पहला पुल है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पुल हैं इस रास्ते में, तो ये पहला पुल है। और ये रोड बिल्कुल नया बनाया गया है, तकरीबन इसे बने हुए 2 साल हो चुके हैं। ये कारपेट रोड है, काफ़ी शानदार है यहाँ का रोड। तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान से ही लोग यहाँ का विज़िट करते हैं, स्टील ब्रिज को देखने आते हैं जब से ये स्टील ब्रिज बना है दोस्तों। तो यहाँ से डेरा गाजी खान का फासला यही कोई 66 किलोमीटर रह गया है, और मुल्तान का फासला 156 किलोमीटर है दोस्तों। तो माशाल्लाह से पूरा रास्ता ही काफ़ी खूबसूरत है, और काफ़ी शानदार नज़ारे हैं इस रोड पर, और काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगी इस रोड पर। काफ़ी कलरफुल यहाँ पर ट्रक हर वक्त सुबह शाम 24 घंटे चलते ही रहते हैं, क्योंकि ये रास्ता है बलूचिस्तान का। तो पंजाब से जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ अशिया जो यहाँ से तिजारत के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर सामान जाता है तो यहीं से जाता है, और वहाँ से जो आप कह लें फल फ्रूट है, खुबानियाँ वगैरह, सेब वगैरह, तो वो क्वेटा वगैरह से यहाँ पर पंजाब में इंटर होती हैं इसी रोड से दोस्तों। तो ये एक पतला सा रोड है, काफ़ी ख़तरनाक है, और एक ही ट्रक, सिंगल ट्रक इस पर चल रहा है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो इसे हम ओवरटेक भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल और काफ़ी पतला रोड है। और एक साइड पे इसके काफ़ी ड्रोनी किस्म की पहाड़ है, जो मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ टेक्सचर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्रोना किस्म का है पहाड़। और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पर बहुत गहरी खाई है दोस्तों, तो काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता से ये ट्रक भी चल रहा है क्योंकि ये लोडेड होता है ट्रक। सामने से आपको एक और ट्रक आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ये मोटरसाइकिल वाले भी रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं, और काफ़ी गलती की इन्होंने, लेकिन चलो शुक्र ये निकल गए हैं। तो ये ट्रक भी रुक गया है, यहाँ क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत पतला सा रोड है और काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि दूसरी साइड पे काफ़ी गहरी खाई है दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी होती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो जहाँ भी पाकिस्तान में पहाड़ी इलाका मिले आपको, तो आप ड्राइविंग काफ़ी एहतियात से करें और सोच समझ के करें। रात की ड्राइविंग से मैं आपको बिल्कुल मना करूँगा, आप दिन की रोशनी में पहाड़ी इलाके में ड्राइव करें दोस्तों। और ये एक और बहुत खूबसूरत सा कलरफुल ट्रक अभी क्रॉस कर गया है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे से और काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड आपको ट्रक दिखाई देंगे, जो कि पंजाब से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से पंजाब आते हैं। और यही ज़रिया है यहाँ से तिजारत का, ट्रांसपोर्ट का, के सामान यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं दोस्तों। तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक होती है इस रोड पे, और बहुत ज़्यादा मकामात पे ये रोड शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, तो यहाँ पे आपको एहतियात करने चाहिए क्योंकि आप तो यहाँ पर नए हैं, आपको पता नहीं है कि क्रॉसिंग मोड़ वगैरह इस रोड पे कैसी है। तो मैं यही कहूँगा कि दिन की रोशनी में यहाँ सफ़र करें, काफ़ी खूबसूरत इलाका है, लोग भी काफ़ी प्यारे हैं यहाँ के, और मौसम भी अक्सर औकात यहाँ पर बहुत शानदार रहता है। आप नेट पर भी इसकी वेदर चेक करके आ सकते हैं कि वेदर किन दिनों में ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो बारिश के दिनों में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कोशिश करें जब आपको अच्छे मौसम या टेम्परेचर कम मिले तो उन मौसमों में इस इलाके का विज़िट करें दोस्तों। तो अब हम इंटर हो चुके हैं इलाके में जिसका नाम है गरम ऑफ। तो गरम ऑफ में एक चश्मा है,
और वो ग्रीन कलर का है, कहीं पे वो ब्लू कलर भी शेड देता है। तो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, तो यहीं से अभी कार से उतर के अब आपको दिखाएंगे वो गर्म ऑफ चश्मा। यहाँ से वो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, ग्रीन कलर है उसका, लश ग्रीन कलर का वो चश्मा है। तो मैंने इसकी भी वीडियोस पहले बनाई हुई थी पीछे व्लॉग्स में, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये भी नीचे उतरना पड़ता है यहाँ रस्सी के ज़रिए पहाड़ से, और काफ़ी गहरा है, तकरीबन ऐसे 150-200 फुट नीचे उतरना पड़ता है। और नीचे ये चश्मा चल रहा है, ग्रीन लश ग्रीन चश्मा है, और कहीं कहीं ये फिरोज़ी कलर का भी हो जाता है, और आगे जाके छोटी मोटी आबशारें भी बन जाती हैं। हाँ, ये यहाँ हमेशा पानी रहता है। दोस्तों, अब हम राखी मुँह के इलाके में एंटर हो चुके हैं, और मेरे बाएं साइड पे आपको बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का थाना भी दिखाई दे रहा होगा, और जबकि मेरे दाएं हाथ पे आपको कुछ दुकानें और होटल भी दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में ट्रक रुकते हैं, यहाँ पर चाय वगैरह बोतल बिस्कुट खाना पीना यहाँ पर खाते हैं, रेस्ट करते हैं अपने टायरों में, जो ट्रक के टायर हैं उनमें हवा भराते हैं, उनको चेक वगैरह कराते हैं, और फिर दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा रश भी देखने को मिल रहा होगा, ट्रैफिक भी जाम दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रक रुके हुए हैं, और यहाँ पर जो उनके ड्राइवर हजरात हैं वो रेस्ट फरमा रहे हैं। और मौसम आज काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी सुहाना है, सामने आपको काफ़ी ब्लैक रंग के बादल दिखाई दे रहे होंगे, और दिन ढलता चला जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रात अपनी चादर ओढ़ रही है दोस्तों, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि अभी भी हम फोर्ट मंडरू के इलाके में हैं दोस्तों, ट्राइबल एरिया में हैं, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सचर वाले पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर दोस्तों। और अगर ओवरऑल रोड्स की बात की जाए तो यहाँ पर रोड्स काफ़ी शानदार हैं, लेकिन हद से ज़्यादा यहाँ पर टर्न्स आते हैं तो रोड मुड़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है दोस्तों। हम पहुँच गए हैं डेराती खान में, और अब यहाँ पर चाय पी रहे हैं होटल पे आके, तो यहीं से फिर मेरे घर चिकन रस्ते और फिर रवाना हो जाएंगे ये भावलपुर की तरफ। ना पहले तो भेज देते हैं, ये आखिरी एक पड़ाव करने अपना चाय के साथ कुश्ती कर लें, और सारे बैठे हैं यहाँ चाय पी रहे हैं जी हाँ, तो चाय के मज़े कर रहे हैं। तकरीबन टाइम होगा 6 या 6:30 हैं, मूवी उधर से 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं 7 बजे का टाइम है। तो ये रोड के किनारे एक होटल है अच्छा सा चाय का, वहाँ चाय पी रहे डीजी खान में। इंशाल्लाह ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह पाक आपका हाफिज़ और नासिर। अल्लाह हाफिज़।